हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप वीडियो की क्वालिटी 144 पे देख रहे हैं तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। 360 या 480 पे देखेंगे तो क्लियर वीडियो दिखेगा। गाइस, आप लोगों के लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं प्रतिशत का, और ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि आर एस अग्रवाल बुक के बारे में बताना नहीं, आप जानते ही हैं। तो ये पास या फेल पर आधारित प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो गाइस, पहला सवाल हमारा क्या है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होते हैं? देखिए गाइस, ये फर्स्ट स्टूडेंट से जो आपका फेल हो रहा है, ये पास हो रहा है, तो ये प्रतिशत में कितना पा रहा है? 30%, और फेल कितने अंकों से हो रहा है? 5 अंकों से। तो यहाँ 5 लिख दे रहे हैं और ये फेल हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हो, 40% अंक प्राप्त कर रहा है, और लेकिन ये जो न्यूनतम अंक है उससे 10% अधिक, जो आपका पासिंग मार्क का है उससे 10 अंक अधिक ला रहा है। तो गाइस देखिए, अब हम इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जैसे पास फेल कम अधिक, ये सभी अंतर बताते हैं। तो गाइस देखिए, नंबर्स ये जो आपका अंक है और ये प्रतिशत है, ठीक है। तो अंक में डिफरेंस कितने का हो रहा है? अरे भाई, पांच नंबर से ये फेल हो रहा है और ये 10 नंबर अधिक ला रहा है न्यूनतम अंक से, तो 10 और 5 अंतर 15 का हो गया, और इसमें 30 और ये 40, प्रतिशत में 10 का। तो हम तो बोल रहे हैं 10, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ये अंक में 15, तो आपका 10 a = 15, तो ए बराबर आप निकालेंगे 15/10, तो यहाँ से 100% हम निकालेंगे, तो आपका ये टोटल पूर्णांक आ गया 150, ठीक है। 150 टोटल पूर्णांक आया है। अब गाइस देखिए, 150 पूर्णांक आया है, तो हम क्या करेंगे, या तो इससे भी न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं, इस वाले पहले वाले स्टूडेंट से, या तो दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, तो हम पहले वाले से निकालते हैं। अब देखिए, 150 टोटल पूर्णांक है, 150 का हम 30% निकालते हैं, 150 का 30% निकालते हैं, तो आपका ये 45 आया। अब देखिए, 45 आया है, लेकिन ये 5 अंकों से फेल हो रहा है। भाई, 30% अंक ला रहा है, 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम 150 का 30% निकाले हैं, तो 45 आया है। अब हम यही 5 अंक ऐड कर देंगे तो ये लड़का पास हो जाएगा, तो क्या होगा, 145 + 5 आपका 50, तो ये आपका 50 राइट आंसर आ गया, ठीक। न्यूनतम अंक 50 होंगे। और इस वाले से भी आप कर सकते हैं, इस वाले से कैसे कर सकते हैं, जैसे 150 है ये, 150 का 40% निकाल लीजिए, 40% निकाल लीजिए, ये कैंसिल आउट कर दीजिए। अब 15 चौको 60, अब भाई 60 हो, लेकिन ये न्यूनतम अंक बोला है ना क्वेश्चन, 10 अंक अधिक ला रहा है, तो आप 50 में से -10 करेंगे, 60 में से -10 करेंगे, तो बी तो 50 आ रहा है, जैसे यहाँ पे, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल क्या है, देखिए, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। उसमें हमको न्यूनतम अंक ही पूछा था, इसमें प्रतिशत पूछ लिया है, क्या है, वही चीज़ करना है, पास या फेल अंतर बताते हैं। तो 108 अंकों का है ये, और ये प्रतिशत है, 30% लाया, 108 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा विद्यार्थी आपका 52% लाया, 24 अंकों से पास हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ का अब अंतर कितने का हो रहा है, 132 का, और ये 22 का, तो 22% 132 के, तो 1% आप निकालेंगे, 132/22, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 बार जा रहा है, ठीक, 6 बार जा रहा है, तो 6 बार जा रहा है, तो 100% आपका यहाँ से निकल के आएगा, 100% निकल के आएगा 6 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 600, 600 आपका ये पूर्णांक हो गया। अब जब हम पूर्णांक निकाल लिए तो आसानी से प्रतिशत भी निकाल लेंगे। अब देखिए, तो अधिक लाया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 600 का 30%, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से। हम पहले 600 का 30% निकाल लेते हैं, 600 का 30% निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए, दो दीजिए, क्षेत्र 180 हो गया ये,
अब देखिए 180, लेकिन अभी ये 108 अंकों से फेल तो हो रहा है, प्लस आप 108 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 188, 200, 288, ये 288 हो गया। अब 288 पास हो गया कितने में से, 600 में से, भाई 600 पूर्णांक है इंटू 100, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये 0 से ये 0 दोनों कट गए, ठीक है। अब इसमें भाग दे दीजिए तो आपका भाग देंगे तो 48% आपका आ गया राइट आंसर। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।